हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि यूटी जीएसटी में सेल्स की एंट्री कैसे की जाती है। ठीक है, तो यूटी जीएसटी आपको बता देती हूँ। यूटी जीएसटी क्या होता है? जब भी हम सेल कर रहे होते हैं, कैसे इंटर स्टेट सेल होती है, इसमें कैसी सेल होती है? इंटर स्टेट सेल होती है और कलेक्ट कौन करता है? इट इज कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरी फॉर इंटर स्टेट सेल। ठीक है, जैसे दिल्ली टू दादर एंड नागर हवेली, तो इस तरह से इसमें सेल होती है। तो अगर हमें यूटी जीएसटी को देखना होगा, यूटी जीएसटी के मैं एक और बता देती हूँ एग्जाम्पल्स और कहाँ कहाँ पर इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें क्या होता है, जीएसटी को एप्लीकेबल रखना होता है कि मतलब फाइव टेरिटरीज जो होती है इंडिया की, जैसे अंडमान एंड निकोबर आइलैंड, दादरा एंड नागर हवेली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप एंड दमन, दमन एंड दीव, ये सब। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये जीएसटी इनको ही कहा जाता है। कौन सी जीएसटी? यूटी जीएसटी। जो जो ट्रांजेक्शन होती है वो इनके बीच में होती है। ठीक है, आज क्या देखेंगे हम, जो यूटी जीएसटी में आप वर्क करेंगे तो उसका कैसे लेजर बनता है, क्या रहता है, क्या मतलब होता है उसका, कैसे एंट्री की जाती है, कैसे उसको प्रिंट किया जाता है और कैसे उसको हम इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट में जाकर चेक कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट्स कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्रिएट पर आना होगा, यहाँ पर लेजर बनाएंगे, पवन ट्रेडर्स, इसको किस में रखेंगे, सन्ड्री डेटर्स में रखेंगे, क्योंकि हम इनको सामान बेचेंगे। ठीक है, तो इनको आगे ही छोड़ देते हैं, दिल्ली में ही रहने देते हैं, कंट्रोल ए करके सेव कर देते हैं। अभी क्या बनाएंगे, एक सेल्स का लेजर में भी बना रखा है मैंने, नहीं बना। तो हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट में रखेंगे इनको, जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, एप्लीकेबल पर एंटर करते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। कौन कौन सी HSN रिलेटेड, मतलब HSN कोड आपको बताया था, जो हमारे गुड्स जिसके हम सप्लाई कर रहे होते हैं, वो कौन से गुड्स के हम सप्लाई कर रहे हैं, तो उसका कोड होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पेसिफाइड डिटेल्स, अगर HSN कोड है तो हम वो डाल देंगे। बेसिकली ये एक डिजिट का होता है HSN कोड, SAC मतलब अगर हम कोई सर्विस सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई डिस्क्रिप्शन हम उससे रेफरेंस में कुछ लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर ये क्या है, जीएसटी रेट डिटेल्स, इसमें भी हम क्या करेंगे, जो डाल रखा है यहाँ पर इसको क्या कर लेंगे, गुड्स कर लेंगे और कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक यूटी जीएसटी का भी बना लेते हैं, यूटी जीएसटी एट द रेट 9%। इसको किस में रखेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे, जीएसटी में रखेंगे, यूटी जीएसटी सिलेक्ट कर लेंगे 9%, नॉट एप्लीकेबल और कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे। तो अभी आते हैं यहाँ पर वाउचर्स पे। अब देखिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई और सा वाउचर्स खुला हुआ है, तो आपको सेल वाउचर, आप सेल की एंट्री सीख रहे हैं तो कैसे करना होगा, फंक्शनल कीज में से F8 को प्रेस करेंगे। यहाँ पे क्या करना है आपको, पार्टी अकाउंट नेम, इसमें क्या लिखना होता है, जिसको आप सेल कर रहे हैं, जो डेटर है उसका नाम आएगा यहाँ पे। बट अगर आप कैश से कर रहे हैं तो आप खाली कैश भी लिख सकते हैं, बट हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पवन ट्रेडर्स लिख देते हैं। ठीक है, एंटर एंटर करेंगे, अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पवन ट्रेडर्स, ये भी कहाँ पर है, दिल्ली में, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। अब हमने सेल अकाउंट बनाया था, इसमें क्या लिखेंगे, डेल के हमारे पास 20 पीस है, हम एक पीस बेच रहे हैं, तो इसमें पहले क्या लगाना होगा हमें, CGST लगेगा, डायरेक्ट लग गया 9%। अब दूसरा SGST नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, UTGST जो अभी हमने लगाया था, ये भी क्या हो गया, डायरेक्ट आ गया है।
ठीक है, तो दोनों यहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी या फिर यूटी जीएसटी, वो तो आप जिस भी नेम से आप सेव करना चाहते हैं उस पर कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से एडिट करना है तो कंट्रोल एंटर करके इसका नाम आप एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं सीजीएसटी एट द रेट 9% कंट्रोल ए से सेव करेंगे तो डायरेक्ट जो नेम हमने चेंज किया है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। और एंटर करेंगे यहाँ पर न्यू रेफरेंस पर करेंगे, रेफरेंस नंबर 4 या फिर आप 21 देना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर आ जाएगा, और कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेंगे। अब अगर इसको आपको चेक करना होगा तो नीचे ही वाउचर्स के नीचे ऑप्शन होता है डे बुक, उस पर आएंगे और ये रहा पवन ट्रेडर्स, इसमें आपने यूटी जीएसटी की एंट्री भी सीख ली है, ठीक है। यूटी जीएसटी और सीजीएसटी आपको एक साथ लगाना पड़ेगा तभी ये वर्क करता है। अगर आपको इसको चेक करना होगा तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, बैलेंस शीट में आएंगे, बैलेंस शीट में आके आपको यहाँ पर करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होती है, जितने भी हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे, एंटर करेंगे तो ये सारा हमने अभी तक वर्क किया है। तो अभी कौन सी लगाई थी, ये यूटी जीएसटी 2250, ठीक है, ये पहले का कर रखा है, ये भी एसजीएसटी आईजीएसटी सीजीएसटी ये सब पहले का है, ठीक है। वापस आते हैं अभी कहाँ पे और देख सकते हैं आप, कहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर एंटर करेंगे, इसके बाद आएंगे अकाउंट्स बुक में, देन ग्रुप समरी पे आएंगे, आप जिसका भी देखना चाहते हैं आप सारे यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस DU लिखेंगे वो पूरा खुद आ जाता है, एंटर करते ही सारा आ जाएगा। अगर आप इससे इसका भी प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं ना कि हमने कौन कौन सा टैक्स अप्लाई कर रखे, तो कंट्रोल पी पर एंटर करेंगे, प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए सेम वही जो प्रीव्यू था वो यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ से बैक करेंगे, अगर आपको क्या देखना है जीएसटी का देखना है या फिर सारे सन्ट्री डेटर्स देखने के, अभी तक हमने कितने ड्रेड डेटर्स को कितना कितने का सामान बेचा है, तो ये कृष्णा ट्रेडर्स को इतने का बेचा था, और फिर क्या था मोहन ट्रेडर्स को इतने का, पवन को अभी लास्ट में इतना बेचा, राज ट्रेडर्स को 4,42,500 का सामान बेच चुके हैं। तो आई होप आपको जिसका देखिए आपको जिसका भी देखना होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और क्या देखना हो सकता है आपको, कैश इन हैंड देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास कितना था कैश इन हैंड, 10 लाख था, 20 लाख था, उसमें से 10 लाख का हमने परचेज कर लिया, तो अभी हमारे पास कितना पैसा है, 10 लाख है ना। तो आप जैसा भी चाहे उसको यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम क्रेडिटर देखें तो अभी हमने क्रेडिटर की में भी नहीं बनाई थी, तो सन्ड्री क्रेडिटर शो नहीं होगा, जो नहीं बनाया ना वो बिल्कुल ऐसे ही ब्लैंक रहेगा। तो अगर आपको कोई बोल दे कि अभी तक हमारे सन्ड्री डेटर जो हैं उनकी मुझे लिस्ट चाहिए, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे, कंट्रोल पी करेंगे, प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जितने भी लिस्ट है और नीचे टोटल करके भी शो हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे किसी का भी कंट्रोल पी से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो बैक करते हैं यहाँ से, डे बुक पर आते हैं। अगर आपको कुछ चेंज करना होगा, जैसे पवन ट्रेडर्स को हमने सेल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये 1, अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन भी प्रिंट आउट पे चाहिए तो हम कैसे लिख देंगे, 1, 2, 3, 4 और डिस्पैच जो दिल्ली लिख देते हैं, ये भी दिल्ली, अभी तो मैं फॉर एग्जांपल ऐसे ही लिख रही हूँ, है ना। फिर ये कैसे हुई है, कैश में पेमेंट हुई है, फिर यहाँ पे ये सब कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। ये सेव हो गई है, कंट्रोल पी से इसका प्रिंट आउट, अगर प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए यहाँ पर सारी चीज आ गई है, इनवॉइस नंबर ये है, डिलीवरी नोट ये है, रेफरेंस नंबर अगर मैं वहां पे डालूंगी तो वो भी आ जाएगा, बायर का ऑर्डर नंबर ये था, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर ये है, डिस्पैच थ्रू डेस्टिनेशन, कुछ भी मैंने अभी आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या है, पवन ट्रेडर्स और जीएसटी यहाँ पर उनका एड्रेस भी आ जाएगा, जीएसटी नंबर अगर लिखे होते तो वो भी आ जाता, अगर कोई जगह दूसरी होती तो वो भी जगह यहाँ पर चेंज होकर आ जाती, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आया है कि हमने एक पीस की सेल की है 25,000 की और 2250 इस पर टैक्स लग गया है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 29,500 टोटल अमाउंट हो गया है ना। और ये HSN कोड जो हमने
बनाते वक्त आपको फिल कराया था वो यहाँ पर आ गया है, 8 digits का होता है ये, तो यहाँ पे 9% लगा है, ये दिखा रहा है CGST और UTGST भी यहाँ पर 9% लगा है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि UTGST की एंट्री कैसे होती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।